ये स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 8 साइंस की जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ साइंस के, उसको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जानदारों की जिस्मानी स्वास्थ्य के मराहिल, मतलब हम लोग के आसपास जो भी देख रहे हैं दो तरह के चीज़ें देख रहे हैं, क्या क्या? एक है जानदार और एक है गैर जानदार। तो जानदार बहुत है, गैर जानदार भी बहुत है, दोनों ज़रूरी है कि नहीं? तो जानदारों का जो जिस्म है ये किससे बना होता है? जानदारों का जिस्म खुलिया से बना होता है। खुलिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल, CELL, सेल। अब व्हाट इज सेल? सेल किसे कहते हैं? तो जानदारों की तस्कीली, जानदारों के जिस्म की तस्कीली व अम्लीय इकाय को खुलिया कहते हैं। सबसे नीचे डेफिनेशन लिखा है, देखो मजीद मालूमात के लिए सबसे नीचे जो लिखा है, जानदारों के जिस्म की तस्कीली व अम्लीय इकाय को खुलिया कहते हैं। अब खुलिया को हम नंगी आंखों से नहीं, बल्कि उसको खुर्दबीन से देखना पड़ेगा। अब खुर्दबीन क्या है? माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पेज में दिया है फिगर माइक्रोस्कोप का, देखो माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप को उर्दू में कहते हैं खुर्दबीन। अब खुर्दबीन का मतलब क्या होता है? खुर्द का मतलब छोटा, बीन मतलब देखना, छोटा चीज को देखना। अब ये इस मशीन से, इस आला से हम उस चीज को देख सकते हैं जो हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। नंगी आंख मतलब आंख, खाली आंख से, कोई मशीन के बगैर, कोई चश्मा के बगैर हम नहीं देख सकते। तो किससे देखना होगा? माइक्रोस्कोप से देखना होगा, तभी हम खुलिया को देख सकते हैं। अब देखिए, अब खुलिया को किसने डिस्कवर किया था? खुलिया को किसने डिस्कवर किया था, किसने ईजाद किया था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी में उसने बताया था खुलिया के बारे में। तो उसने कैसे देखा कि खुलिया होता है जानदारों में? तो उसने क्या किया, दरख्त के छाल को बारीकी से तलाशा, मैंने उखाड़ा। उखाड़ने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा या फिर खुर्दबीन से देखा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे खाने देखे, छोटे छोटे, जैसे कि शहद के छत्ता में देखे हो ना, शहद की मक्खी के छत्ते देखे हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे खाने होते हैं, है कि नहीं, जिसमें रस भरे होते हैं, शहद भरे होते हैं। तो उसी ने उस खाना को, उस छोटे छोटे खाने को, खोखले खाने को नाम दिया क्या? खुलिया, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। अब सेल किस जबान का लफ्ज है? लैटिन। उर्दू में बोलते हैं लातिनी जबान, लातिनी जुबान से माखूज है। अब जिसके माने क्या है? खाली खाने या खोखली जगह के हैं। अब एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो खुलिया को तुम कैसे देख सकते हो? खुलिया को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब खाली आंख से नहीं देख सकता, कुछ ना कुछ मशीन लगेगा, कुछ ना कुछ आला लगेगा। इसकी जिसामत बहुत छोटी होती है। अब क्यों लगेगा? क्योंकि इसकी साइज इतनी छोटी है। साइज मतलब जानते हो ना, इतनी छोटी होती है कि क्योंकि इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमको क्या चाहिए देखने के लिए? खुर्दबीन चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। अब मजीद मालूमात के लिए और भी कुछ जानकारी दिया है इसके बारे में, खुलिया के बारे में। रॉबर्ट हुक ने बारीक तराशे हुए कार्क में जिन खुलियों को खुर्दबीन से मुशाहदा किया था, ऊपर जो देखा कि वो खुर्दबीन से जो देखा था वह सब बेजान थे। जो देखा था उसने, ऊपर जो लिखा है यहाँ पर, वहाँ सब बेजान खुलिए थे। इसके बाद 1674 ईस्वी में डच साइंसदान, डच मतलब हॉलैंड के रहने वाले को डच बोलते हैं, जैसे इंडिया के रहने वालों को क्या बोलते हैं? इंडियन, या फिर हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो उसी तरह से डच हॉलैंड के रहने वालों को डच बोलते हैं। तो वहाँ के एक साइंटिस्ट था एंटोन वान लेवेनहॉक ने पहली बार जानदार खुलियों का मुशाहदा किया, उन खुलियों के बारे में बताया जिसमें जान होती है, जिसमें लाइफ होती है। इनके अलावा उन्होंने मौजूद खुर्दबीन को तरक्की याफ्ता शक्ल देकर मुत्तहिद माइक्रोब्स और खून के खुलियों का मुआयना किया। मतलब अभी जो हो, पहले जो माइक्रोस्कोप था वो अलग था, अभी जो माइक्रोस्कोप है अलग अलग है, और ज़्यादा
छोटी चीज बहुत बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, खुलिया इनके हिस्सों को वाजा तौर पर देखने के लिए हम रंग चढ़ाने वाली खास केमिया इस्तेमाल करते हैं। अब खुलिया को रंग चढ़ाने वाले मतलब अलग खुलिया को और साफ तौर से देखने के लिए हम खास केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्टेन। ठीक है, उससे हम खुलिया को और अच्छी तरह से देख पाते हैं। अब नीचे दिया गया है कि जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। नंबर वन सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, नंबर टू कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, नंबर थ्री इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं उर्दू में सादा खुर्दबीन, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को बोलते हैं मुरक्कब खुर्दबीन, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब एक एक के बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। बनावट के एतबार से सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, बनावट के एतबार से यह एक सादा खुर्दबीन है, बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए इसका नाम है सिंपल, जिसमें सिर्फ एक ओकुलर लेंस होता है। लेंस जाते हो ना, पाव वाला शीशा, एक लेंस होता है। कितना होता है इसमें? एक ही होता है, एक ही लेंस होता है, जिसको बोलते हैं ओक्यूलर लेंस। इसे डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। इस खुर्दबीन का इस्तेमाल फूलों, पौधों और जानवरों की बैरूनी साख के मुताला के लिए किया जाता है। इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो करते हैं फूलों, पौधों और जानवरों की बैरूनी साख, बाहर से कैसे दिख रहे हैं, फूल कैसे दिख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं इस माइक्रोस्कोप से। अपनी ताकत के मुताबिक ये जेरे मुआयना चीज़ को 15 से 20 गुना बड़ा दिखाएगा। कोई चीज़ इसमें कितना बड़ा देख सकते हैं? 15 से 20 गुना हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ देख सकते हैं, इतनी बड़ी। नंबर टू मुरक्कब खुर्दबीन, बनावट के लिए ऐसे मुरक्कब होता है क्योंकि इसमें तीन लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तीन लेंस होता है, उसमें एक ही लेंस, इसमें तीन लेंस। अब तीनों लेंस का अलग अलग नाम है। पहला है ओक्यूलर लेंस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा है कंडेंसर लेंस। इसका इस्तेमाल सूरज की रोशनी या मौसमी रोशनी की मदद से किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम सूरज की रोशनी के रोशनी से करते हैं या फिर मौसमी रोशनी आर्टिफिशियल लाइट से करते हैं। रोशनी की सुआ को मुनक्कस करने के लिए आईने का इस्तेमाल किया जाता है। मुनक्कस करके रिफ्लेक्ट करके लाने के लिए रोशनी को हम शीशे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शीशे से लाइट मुनक्कस होकर चले जाते हैं आगे। इसकी मैग्निफिकेशन कुवत इतनी होती है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ कितना बड़ा दिखाने की जो ताकत होती है कितनी होती है। जेरे मुआयना एशिया चीज़ें, एशिया मतलब चीज़ें 2000 से 4000 गुना बड़ा दिखाई देता है। कोई भी चीज़ 2000 गुना से 4000 गुना बड़ा इसमें दिखाई देता है। अब देखो कितना बड़ा दिखाई देगा इसमें। अब मुरक्कब खुर्दबीन का क्या क्या इस्तेमाल है देखे। मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल किन किन मकासद के लिए किया जा सकता है? नंबर वन, यहाँ पर टिक लगाया गया है, बैक्टीरिया, अलगी, फंगी और दूसरे एक खुलवी और बेसर खुली जानदारों की बैरूनी साख। जो बैक्टीरिया है, अलगी है, फंगी है, एक खलवी जानदार जानते हो ना किसको बोलते हैं? जिसका जिस्म सिर्फ एक खुलिया से बना होता है। और बसर खुली जानदार उसको बोलते हैं जिनका जिस्म एक से ज़्यादा खुलियों से बना होता है। दूसरा इस्तेमाल है जड़, तना, पत्ता वगैरह की अंदरूनी साख का मुशाहदा करने के लिए। जड़, पौधे के जड़, तना, पत्तों के जो है अंदरूनी बनावट कैसी है, इसको जानने के लिए हम मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री, जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा, यहाँ पर नुक्ता छूट गया है, एज़ा मिसलन जिगर, फेफड़े, फोते मतलब जो पेशाब की तैली है वगैरह की तसीहाती हिस्टोलॉजिकल साहत के मुताला के लिए, मतलब जो जिगर है मतलब लीवर, लंग्स, उसके बाद जो पेशाब की थैली है उसकी जानकारी के लिए, उसकी अंदरूनी बनावट के लिए हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नंबर फोर होगा खुलिया की दीवार, खुलिया की झिल्ली, खुलिया खुलवी, अजू, सेल ऑर्गेनल्स के मुताला के लिए हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर खुलिया की जो दीवार है मतलब एक मिसाली खुलिया के टोटल 14 पार्ट्स होते हैं, तो उनमें से खुलिया की दीवार है, खुलिया की झिल्ली है, तो
तो और खुलिया के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, तो उनके मुताला के लिए हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन माइक्रोस्कोप है। इसमें शीशे के लेंस की जगह इलेक्ट्रॉनिक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप और बहुत ही मॉडर्न है। इसमें शीशे के लेंस की जगह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेंस का यूज़ किया जाता है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब इसमें छोटी चीज़ बड़ा करके दिखाने की जो ताकत होती है बहुत ही ज़्यादा होता है। ये जेरे मुशाहिदा सय को, सय मीन्स चीज़ को 50,000 से 3,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा कर देता है। मतलब इसमें कोई भी छोटी चीज़ जो है वो 50,000 से 3,00,000 गुना बड़ा दिखाई देता है। इसमें जेरे मुआयना एशिया बर्रास आँखों से नहीं, मतलब इसमें जो भी चीज़ हम देखते हैं आँखों से नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी जाती है। कंप्यूटर के जो स्क्रीन है उस पर देख सकते हैं हम कोई चीज़ बड़ा करके। तो ये हो गया 3 तरह के माइक्रोस्कोप। पहला है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, तीसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में। तो अगर इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।